दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं लॉकडाउन चल रहा है दोस्तों, कबाब खाने का बहुत ही मन कर रहा होगा, तो आइए आज बनाते हैं वेज कबाब। कैसे बनाया जाता है, किस तरह बनाया जाता है, क्या क्या सामग्री लगती है, बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम सामग्री में आप लोगों के घर में उपस्थित है ये सामग्री। आप इस रेसिपी को अंत तक देखिए, तभी आपके समझ में आएगा वेज कबाब। आइए फिर बनाना शुरू करते हैं दोस्तों। प्रिय दर्शकों, ममता किचन रेसिपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सामग्री में हमने आधा चम्मच लाल तीखी मिर्च ले लिया है, आधा चम्मच जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, 3 बड़े चम्मच ऑयल, नमक स्वाद अनुसार, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच चाट मसाला, 2 हरी मिर्च, आधा इंच अदरक का टुकड़ा ले लिए हैं, थोड़ा धनिया ले लिए हैं हरा धनिया, 2 मीडियम साइज प्याज काट लेंगे बारीक इस तरीके, ये देखिए प्याज। 2 ब्रेड को हमने मिक्सी जार में ग्राइंड कर लिया है, थोड़ा सोयाबीन ले लिए हैं 1 बाउल, 1 उबला हुआ आलू ले लिए हैं छिलका उतार के। सबसे पहले बाउल लेंगे, सोयाबीन डालेंगे बाउल में, गरम पानी डालेंगे ताकि जल्दी से सोयाबीन फूल जाए, गरम पानी से सोयाबीन जल्दी फूलता है, 6 से 7 मिनट तक में अच्छे से फूल जाएगा। ये देखिए 6 से 7 मिनट तक हो चुके हैं, अब इनको निचोड़ लेते हैं अच्छी तरीके से। इनको दोनों हथेलियों से इस तरीके निचोड़ देंगे ताकि इसमें पानी ना रह जाए। मिक्सी जार लेंगे, हरा धनिया, हरा मिर्च, अदरक डालेंगे, सोयाबीन डालेंगे, अब इनको दरदरा पीस लेते हैं। इस तरीके हमने पीस लिया, कटी हुई प्याज डालेंगे, लाल तीखी मिर्च डालेंगे, आधा चम्मच जीरा डालेंगे, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच गरम मसाला, स्वाद अनुसार नमक, आलू डालेंगे, आलू को कद्दूकस कर लिया है इस तरीके। अब इनको हथेलियों से मिलाएंगे, ये हमने अच्छी तरीके मिला दिया है। इस रेसिपी को आप ज़रूर से ज़रूर दोस्तों बनाइए, बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा बहुत ही कम समय में। हथेलियों में ऑयल लगाएंगे, इस तरीके थोड़ा बॉल के आकार में लेंगे, हथेलियों से दबाते हुए पेड़े के आकार में बनाएंगे दोनों हथेलियों से। ये देखिए बहुत ही आसान है बनाना, कोई मेहनत का काम नहीं है, लंबा भी आकार में बना सकते हैं, ये बहुत ही आसान तरीका। इस तरीके हम सभी बना लेंगे कबाब, ये देखिए सभी ब्रेड बना लिए हैं, ब्रेड का चला लेंगे अब। अब सभी टिक्की इसमें डुबोएंगे एक एक करके इस तरीके, दोनों तरफ इस तरीके घुमा घुमा के चारों तरफ इसमें डुबो कर रख देंगे। दूसरे बार सभी टिक्की ब्रेड में लगा लेंगे। आइए अब इनको सेकते हैं, गैस जलाएंगे, तावे रखेंगे, ऑयल डालेंगे 2 चम्मच इस तरीके, अब इस तरीके रख देंगे सभी टिक्कियाँ, मीडियम रखेंगे। ऊपर से थोड़ा ऑयल डाल देंगे 1 से 2 चम्मच तक, अब इनको पलटते हैं, ये देखिए कलर चेंज हो गया है गोल्डन ब्राउन, बढ़िया से सेक चुका है, इनको मीडियम फ्लेम में बनाएंगे। ये देखिए कितना बढ़िया कलर, बढ़िया से सेक चुका है, अब इनको निकाल लेते हैं। आइए सर्व के प्रोसेस में चलते हैं। पाव लेंगे, चिली सॉस डालेंगे, कटा हुआ प्याज डाल देंगे, कबाब रखेंगे, चिली सॉस, टमाटर सॉस के साथ आप इसे सर्व कर। आपकी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइए, बहुत ही स्वादिष्ट बना है दोस्तों, बहुत ही मज़ेदार वेज कबाब।
दोस्तों आप इसे सोयाचंक्स कबाब भी बोल सकते हैं। दोस्तों अगर कोई सुझाव हो कमेंट बॉक्स में बताइए, कोई गलतियाँ हो माफ़ करिए। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।